गो हो गया लाइव इमाम तब से बोल रहा है 1 2 3 go 1 2 3 go. अच्छा चलो वेर लाइव विद यू और आज का हमारा टेक का पैक है टेक्नो का कैमोन आई. ये वो फोन है जिसका हम लोगों ने कुछ समय पहले जब लॉन्च हुआ था हमने आपको इसके बारे में लॉन्च से डायरेक्टली बताया था और आज इस फोन की अनबॉक्सिंग आपके सामने सामने हम लोग करने वाले. अब ये एक बजट फोन है जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बताया 10,000 रुपए से इसका दाम कम है और जो एग्जैक्ट दाम मैं आपको एंड में बता दूंगा. अब दाम मुझे पता है शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में प्राइस कितना है बट थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा. 10,000 से कम है इसका प्राइस 100% और इसमें आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल रहा है. नाउ टेक्नो की जो फोन्स रहे हैं सारे बजट यू नो दे हैव बीन इन द बजट सेगमेंट और कैमोन आई है इसका जो कुछ टाइम पहले अब लॉन्च हुआ था. आई थिंक आपका फ्लैश इसमें रिफ्लेक्शन मार रहा है तेज. देखो यहाँ रख ले लाइट ठीक है यहाँ पे यहाँ रख के करते. सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे इस फोन में एक तो आपको 100 days रिप्लेसमेंट मिल रहा है. सबसे पहले तो वन बड़ा सा वन और यहाँ प्रॉमिस लिखा हुआ है 100 days रिप्लेसमेंट. देर इज 1 time स्क्रीन रिप्लेसमेंट और इसमें 1 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी है. सो ये मतलब ये तो ऑब्वियसली इनका प्रमोशनल है ही है एंड ये आपको इस फोन में आपको हमेशा मिलेगा. इन्फिनिटी डिस्प्ले तो आप जैसे देख भी सकते हो काफी हद तक ये फोन जो है वो आपका बेजल लेस है. 18:9 के रेशियो में आपको ये फोन मिल रहा है और इन्फिनिटी डिस्प्ले मतलब अब पूरा इन्फिनिटी तो नहीं है बट यस काफी हद तक ये बेजल लेस है. 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज है जो वेरियंट हमारे पास है. अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको पीछे और दिखाएं बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है तो 5.65 inches की इसकी स्क्रीन है. इसमें 13 megapixels का फ्रंट कैमरा है विद स्क्रीन फ्लैश एंड LED फ्लैश. इसमें दो तरीके के फ्लैश दिए हुए आपको स्क्रीन का भी फ्लैश है और LED फ्लैश. 13 megapixel बैक कैमरा है विद क्वाड फ्लैश और 32GB रोम 3GB रैम ये हमने बता दिया आपको. 4G इसका इट्स 4G कंपैटिबल और 3050mAh की बैटरी फिंगरप्रिंट इसका सेंसर. चलो बातें हुई बंद और अब शुरू करते हैं इसकी काटा पीटी. यहाँ शुरू करेंगे हमारा ये रहा ब्लेड एंड लेट्स गो अहेड. कहाँ से काटिएगा इमाम? इधर से. कहाँ से काटिएगा? इधर से साइड से काटिएगा. हाँ. चलिए यहाँ से देंगे हम लोग इसको काट पर सील भी और सील भी काटिएगा. चलिए और कितना काटिएगा? इस साइड से भी काटिएगा. फोन मत काट दीजिएगा. चलिए और ये भी काट ही दे यार पूरा जब काट ही दिया. चलो तो ये हो गया हमारा फोन अनबॉक्स एंड वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ सीइंग इस फोन में क्या क्या है. अब जब तक ये खुलता है आई थिंक आप चाय बना के ला सकते हो. चलो 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 लेट्स गो खुल गया. चलो वेरी गुड फोन हमारा ही खुल गया है. अच्छा इसमें अब हम लोग वाह क्या स्टिकर हो गया सारे स्पेसिफिकेशंस ऊपर ले रखे हैं इनके. वेरी गुड इनको हटाइए मतलब कुछ चीजें ना प्रमाण होती है कि फोन चाइना से बन के आया है. वेरी नाइस ये रहा देयर यू गो. अब ये रहा फोन और ये रहा इसका इन्फिनिटी डिस्प्ले जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं. अब इसमें जो है इट इज नाइस आई थिंक व्हाट वी कैन सी इज इसमें आपको इसको ये कलर कैसा लग रहा है? नाइस तो मुझे तो कलर पसंद आया. आप लोगों को ऐसा लग रहा है आप भी लिख के बताओ. इमाम को भी पसंद आ गया. मनिन हमारे साथ गया था उस दिन लॉन्च पे. मनिन मुझे बताया इसका कलर कैसा लग रहा है. यही फोन था ना कलर कैसा लग रहा है इसका? अच्छा है. मनिन को भी पसंद है. उस दिन लॉन्च के दिन कह रहा था पता नहीं बट आज पसंद आ गया इसको. ठीक है इसको स्विच ऑन करके देखते हैं. अच्छा इसको जरा स्विच ऑन करो आप और हम लोग आपको दिखाते हैं बॉक्स में और क्या है. इधर आओ. इसमें अगर देखें एक्सेसरीज क्या क्या दी हुई हैं. कैमोन आई खूब लिखा हुआ है. इसको खोल के देखें. ये आपका पिन ऑफकोर्स साथ में दिया हुआ है. अच्छा कवर साथ में दिया है फोन का जो कवर है वो आपने साथ दिया हुआ है एंड यूजर मैनुअल ऑफकोर्स. और हम लोग सारे जानते हैं कि हम लोग सारे यूजर मैनुअल कितना पढ़ते हैं तो इसको वैसे ही हम लोग साइड पे रख देंगे. पापा हमेशा कहते हैं यार जो गैजेट लिया करो पहले बैठ के उसका यूजर मैनुअल पढ़ा करो. और जब तक पापा यूजर मैनुअल खोल रहे होते हैं हम लोग सारा फोन खोल चाल के हम लोग समझ चुके होते हैं फोन में क्या करने वाले. तो एनीवेज बट स्टिल सारे फोन अपना एक मैनुअल जरूर देते हैं. ये आपका एक फोन व्हाटएवर एंड दिस इज द कवर अलोंग विद दैट. सो नाइस. इसको भी मनन को देते हैं. मनन ये भी कवर आप लगाना साथ में. एंड अच्छा इसके साथ जो चल रहा है आपका वो है इसके ईयरफोन्स जो आपको साथ में मिले हुए हैं.
Earphones are nice, sir. Smart looking earphones. Achha, ek chrome sa hai. It's a little silvery, it's a little chromish, and it's quite nice. Aur, white color ke hai. And I always prefer ye in-ear wale buds jo hote hai, I always prefer them because in mein achhi aapko grip ek mil jaati hai, kaano mein at least. And what else is there? Aapko micro USB, aapka ek ye charger aapko saath mein diya hua hai, jo wire hai. And isko bhi wapas kar dete hain. इसके अलावा आपको अपना एक प्लग मिल रहा है अच्छा ये ईयरबड्स आपको एक एक्स्ट्रा पेयर मिला हुआ है प्रॉब्ली इन अ डिफरेंट साइज एंड आपका प्लग इन्होंने साथ में दिया हुआ है सो दैट इज अबाउट इट इसको क्विकली रैप अप करके वापस डालते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर इन द फोन अब फोन आई एम होपिंग मनन ने अभी तक ऑन कर दिया है और इसको अब हम रखते हैं वापस मुझे सॉरी दो मिनट लग रहे हैं चीजें समेट के वापस रखने की बहुत आदत है ये रहा ओके We're going to put this back and there we go. अब ये रहा हमारा कैमोन आई का बॉक्स प्लास्टिक से हमें सख्त नफरत है इसलिए प्लास्टिक सारे गए साइड पे और अब लेके आते हैं आपके लिए फोन को हो गया कहाँ तक बोल के सेटअप लेटअप है तो अभी हम सेटअप कर रहे हैं फोन को एंड हाँ टेम्पर्ड भी लगा हुआ है टेम्पर्ड ग्लास टेम्पर्ड पहले से ही लगा हुआ है वेरी नाइस दैट्स क्वाइट नाइस ये अच्छा दिस इज द फर्स्ट ये मैंने नहीं देखा ये आप देखो अगर टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने पहले से ही लगा के दिया हुआ है इट्स क्वाइट नाइस और ऑफ कोर्स कवर भी हमने इसका लगा दिया है तो कवर के साथ भी फोन जो है इसका स्काई ब्लू कलर है एंड इट्स क्वाइट नाइस मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था इसके लॉन्च पे भी जो हम लोग गए थे कलर आई वॉज वेरी वेरी यू नो इम्प्रेस्ड विद द कलर और इसके अलावा टेक्नो स्पॉट क्या करना है इमाम इसके आगे नेक्स्ट पे चलें नेक्स्ट आई अग्री नेक्स्ट और नेक्स्ट और वेलकम टू हाई ओ एस हाँ जी इसमें जो इंटरफेस है उसका वो हाई ओ एस है विच इज ऑब्वियसली इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड नहीं मिल रहा है इस पे इट इज गोइंग टू स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर इसका हाई ओ एस है थोड़ी सी स्क्रीन रिफ्लेक्टिव जरूर है मतलब मुझे ऑलमोस्ट सारी लाइटें ऊपर की नजर आ रही है स्क्रीन के बट इट्स नाइस आई थिंक इट्स क्वाइट कूल देखने में अगर जैसे हम लोग देख के चले इसको अब इसमें आपका जो फ्रंट कैमरा है सबसे पहले मैं उसी से ही शुरू करूंगा फ्रंट कैमरा में आपको ड्यूअल फ्लैश मिल रहा है एक तो आपको एलईडी फ्लैश जो यहां मिल रहा है और स्क्रीन के अंदर भी एक फ्लैश मिल रहा है तो अगर इसको हम ऑन करें तो इसको अलाउ करें इसको भी अलाउ करें स्लाइड लेफ्ट राइट टू स्विच द मोड्स दैट्स ओके वेरी गुड गॉट इट ओके 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 स्विच कैमरास गॉट इट मोर मोड्स मिल्टर्स ओके गॉट इट अच्छा अब इसका अगर हम कैमरा फ्लिप करना चाहें तो दिस इज व्हाट वी डू एंड इट फ्लिप्स और ये हमारा सेल्फी कैमरा सामने आ गया और अगर फिर से इसको हम फ्लिप करना चाहें तो ये ऐसे आ गया अब वापस चलते हैं सेल्फी कैमरे पे एंड लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर लाइट इज नाइस कैसा लग रहा है इमाम ओ इमाम की शक्ल तो देखो चमक रहे हैं मतलब फुल शेव करके इनके पिताजी आए हुए थे मिलने इनसे तो इनको लगा पिताजी जाए ऊपर करूं मैं ताकि देख सकूं इसको अच्छा एनीवेज लेट्स कम बैक टू द कैमरा यहां पे ये आपका हो गया रिवर्स कैमरा अच्छा इसमें जो ड्यूअल फ्लैश है मैं आपको बता रहा था देयर यू गो इसमें यू हैव एंड देन यू आल्सो हैव इसमें अगर आपका ये आपका फ्लैश जो है लाइट इसकी वैसे भी ऑन रहेगी और आप चाहें इसको सिर्फ आपने नॉर्मल रखना है तो व्हेन वी कीप इट एट दिस और ब्यूटी मोड जो है इसका दे जब हम इसके लॉन्च पे गए थे जो हमें पता लगा था वो यही था इन्होंने जो हमें बताया कि स्लाइट वो जस्ट ब्यूटिफिकेशन लेवल्स गॉट इट तो इसके ब्यूटिफिकेशन लेवल्स इस तरीके से हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं एंड यूजुअली क्या होता है फोन्स में अगर आप देखो तो जब ब्यूटी लेवल्स जो है अगर ज्यादा हाई कर दें हम ब्यूटी लेवल्स अगर बहुत ज्यादा हाई कर दें तो फेस बिल्कुल ही वाइट आउट लग रहा होता है यू नो वो इट्स लुकिंग अनरियल बट इसमें अगर आप देखो तो दे हैव ट्वीक्ड इट इनकी जो मेन यूएसपी थी इस फोन की वो ये थी कि इनका जो ब्यूटी मोड है वो आपके फेस को समझते हुए आप पे लाइटिंग जो है वो चेंज करेगा आपके फोन की तो ब्यूटी मोड यूज करने के लिए हम अपने एक बहुत ही हमारे टीम में जिनको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था बात करने के लिए सुरभि सुरभि आओ हमारा ब्यूटी मोड ट्राई करके बताओ और टेल मी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो इधर उधर देख रही कहां भागे पर मैंने आवाज पकड़ लिया इसको और ब्यूटी मोड इसका ट्राई करके बताओ टेल मी व्हाट यू फील अबाउट इट शक्ल थोड़ी चेंज हो रही है अच्छा सुरभि की कंसर्न है कि ये शक्ल नहीं बदलता है इनकी और इन कंसर्न्स के लिए टेक्नो आपका कुछ नहीं कर सकता है आप ब्यूटी मोड से खेलिए एंड देयर यू गो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी नाइस स्नैप कैसा लग रहा है कैमरा ठीक है मेरे फोन से तो अच्छा ही है जो मैं यूज कर रही हूं नहीं ये इमाम पता नहीं कैसी बातें करता है सुरभि इज वन ऑफ द मेन पीपल इन आवर टीम लाइफ तक टेक तक फूड तक सब में सुरभि घूम रही होती है
and she's brought most number of likes to all our channels. So, thank you so much. Ab kal fir se aaunga tang kar. Acha chalo, let's get back to the camera. Isme so that is the beauty mode. Beauty mode, meri samajh mein to it's nice. Most of the other phones that I've seen, wo bada hi unreal lagti hai shakal usme. But this is quite nice. Aur ye bhi photograph jo abhi unhone khichi thi, agar wo hum fir se dekhen, so it was nice. Agar aap dekho, flash thoda zyada waise bright hai. Flash thoda zyada nahi maar diya. I think thoda zyada bright ho gaya flash. But otherwise, jitna mujhe photograph dekh ke lag raha hai, it's quite nice. Panorama, of course, aapka isme hai. You have the beauty mode. Isme aapka ड्यूटी मोड है, इसमें आपका फोटोग्राफ है और इसमें आपका एक वीडियो का है. इफ यू कैन चेंज दिस देन इट गोज बैक टू दिस. एंड आई थिंक क्लैरिटी जो है डिसेंट है. क्लैरिटी इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. अगर आपको पीछे म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो वो हमारे लाइफ तक का म्यूजिक है. सारी प्रोडक्शन इसी रूम में होती है. वील गेट बैक टू द रूम, वील गेट बैक टू द फोन. फोन में यहाँ पे अगर आप फ्लिप देखो तो हाई ओएस आपको किस तरीके से ऑपरेट करता है, यू कैन सी इट हेयर. इट्स क्लॉकवाइज, इसका जो क्लॉकवाइज नहीं, इट्स लाइक जैसे आप पन्ना बदल रहे हो अपने पेज का, बुक का, तो उस तरीके से आपको ये देखेगा. ऑफकोर्स हमें अभी इसको सिंक करना है अपने उसे वाईफाई से. बट अगर आप इसके कहाँ चले, इसकी सेटिंग्स पे चल के देखते हैं. लेट्स सी व्हाट ऑल द फोन इज अबाउट. इसमें अबाउट फोन, अच्छा एंड्रॉयड नूगट पे है ये, बट आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी ओरियो पे शिफ्ट कर जाएगा. बाकी इसका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बारे में नहीं बताया ना. प्रोसेसर इसका, लेट्स गो डाउन, मॉडल टेक्नो IN5 हाई ओएस वर्जन 3.2.0 एंड्रॉयड बेस बैंड कर्नल एंड सिस्टम अपडेट, नहीं अभी नहीं चाहिए हमें अपडेट. एंड्रॉयड वर्जन बिल्ड नंबर एंड दिस इज डिवाइस इन्फो. और इसका मीडिया टेक प्रोसेसर है. यस, हमने पता जब किया था तो इनका मीडिया टेक प्रोसेसर था. इतना मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर का जो इसके लॉन्च पे, जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो प्रोसेसर के बारे में इन्होंने नहीं बताया था. एंड में जाके जितने जर्नलिस्ट आए हुए थे लॉन्च इवेंट पे, उन्होंने पूछा था कि भाई आप इसका प्रोसेसर कौन सा है, एंड दे सेड कि ये ऑपरेट कर रहा है मीडिया टेक के प्रोसेसर पे. उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला था. अब ऑब्वियसली जब हम इस फोन को प्रॉपरली यूज करेंगे देन वी विल बी एबल टू टेल यू कि क्यों वो यूज मीडिया टेक नहीं बता रहे थे या क्या नहीं बता रहे थे. इमाम क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों मीडिया टेक इसलिए नहीं बता रहे, क्योंकि मीडिया टेक का जो प्रोसेसर है ना वो एक्चुअली सस्ता होता है. मतलब एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ना कॉस्ट कटिंग हो जाता है मीडिया टेक डालना, तो इसलिए लोग मतलब लो एंड फोन में मीडिया टेक प्रोसेसर यूज करते हैं बेसिकली. तो बट क्या है कि शाओमी और ये सब जो आए हैं फोन्स, इन्होंने मतलब बजट फोन्स में भी इन्होंने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर डालने शुरू कर दिए और वहां पे ये पिट रहे हैं बिकॉज ये अभी भी मीडिया टेक के प्रोसेसर है. एंड आप मुझे चलो बताओ, मैं अपना ओपिनियन नहीं बताऊंगा, मीडिया टेक प्रोसेसर आप प्रेफर करते हो या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, आपको क्या बेटर लगता है? मैम सर मुझे तो क्वालकॉम पसंद है बेसिकली, क्योंकि ना मीडिया टेक प्रोसेसर हैवी लोड नहीं उठा पाता. मतलब ऐसा मेरा पर्सनल वो ओपिनियन है कि मतलब हैवी लोड उठाने के लिए नहीं है मीडिया टेक प्रोसेसर, वो कहीं ना कहीं लैग दिख जाता है आपको, वो लैग उसमें आपको दिख जाएगा. एंड इसमें क्या है कि आप मुझे बताओ, आप कमेंट्स में डाल के बताओ कि व्हाट डू यू प्रेफर, आपको मीडिया टेक प्रोसेसर्स बेटर लगते हैं या वुड यू मच रादर हैव स्नैपड्रैगन, भले वो स्नैपड्रैगन 465 ही हो 435 हो, आपको वो बेटर रहेगा या वुड यू प्रेफर अ मीडिया टेक प्रोसेसर विच इज मोर लेटेस्ट, मुझे बताना सोच के. और अभी हम लोग आगे चलते हैं फोन में. इसमें मीडिया टेक प्रोसेसर है, इसमें भी दे हैवन टोल्ड अस मच मोर देन दैट. एंड इसके बारे में डिवाइस इन्फो में, ये इसका क्वाड कोर है प्रोसेसर एंड 1.3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है. इंटरनल स्टोरेज 32 GB एंड दैट्स अबाउट इट. सो नाउ लेट्स गो बैक. और कुछ जानना चाहो आप बताओ इमीडिएटली फोन के बारे में. कैमरा इतना मैं बताऊं. हाँ इमाम कुछ बोलना चाह रहा है. मुझे एक चीज जो इस फोन का पसंद आया वो है मतलब इसमें है ना गोरिल्ला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है. द बेस्ट पार्ट, मतलब अगर फोन आपके हाथ से, ऑब्वियसली बात है आज के टाइम बहुत डेलिकेट होते हैं फोन, तो उसके साथ क्या बताया ना कि मतलब बेसिकली फोन गिरता है और टूट जाता है. लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से ये फायदा है इस फोन में कि ये जो पोर्शन है ना, अगर ये गिरता है तो ये इसके स्क्रीन टूटने के चांसेस कम होते हैं इस चांसेस में, मतलब मुझे ऐसा लगता है बेसिकली. नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देना बहुत जरूरी है फोन पे, क्योंकि ना स्लिप होते ही फोन का डिस्प्ले चला जाता है. डिस्प्ले जाने के बाद उसका प्रॉब्लम ये होता है ना कि उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है. नए फोन से जैसे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इस पे टेम्पर ग्लास लगा दिया. हाँ. और साथ ही साथ फोन जैसे ही लॉन्च हुआ, लॉन्च के साथ ही आपको फोन के कवर्स नहीं मिलते, तो ये बहुत एक स्मार्ट मूव था कि उन्होंने लॉन्च के साथ ही मतलब फोन के अंदर ही उन्होंने कवर दे दिया और साथ ही साथ टेम्पर ग्लास लगा हुआ दे दिया. अब बहुत सी कंपनी क्या करती है, टेम्पर ग्लास लगवा मतलब इन प्रोवाइड तो कर देते लेकिन फिर लगाने के लिए फिर हमें जाना पड़ता है दुकान वाले के पास. ग्लास पे ₹1000 खर्च होंगे, फिर आप कवर पे उसके पैसे बर्बाद करोगे. उसके बाद नहीं, अगर वो प्रोवाइड कर भी देते हैं तो वो लगा के नहीं देते. अब इसमें क्या इशू होता है ना कि
उनके पास जाओ लगवाने के लिए, फिर वो अलग से चार्जेस लेते हैं 50-60 रुपए इसको लगाने के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छा चीज लगा मुझे जो पर्सनली इस फोन के बारे में। राइट, थैंक यू इमाम। और इमाम इज ऑब्वियसली हैप्पी विद दिस, इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी काफी खुश हूँ इससे कि इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास और जो कवर है वो साथ में दिया हुआ है। फोन जो है इट्स नॉट वेरी वेरी हैवी, आई थिंक इसका वेट मेरे ख्याल में 150-160 ग्राम तक होगा, इतना ज्यादा हैवी नहीं है। इट्स नाइस टू हैव इन योर पाम्स। फिंगरप्रिंट्स थोड़े ऑफकोर्स ये कैच कर रहा है स्क्रीन पे, अगर आप देखो तो वो कुछ चीजें कैच कर रहा है, बट देन आई थिंक दैट्स अ माइनर थिंग। बाकी फोन काफी कूल है, आई थिंक प्रीटी मच दैट्स अबाउट इट मेरी समझ में। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफकोर्स इसका हम यूज करके आपको बताएंगे। इसमें जो सिम स्लॉट्स हैं, इसमें ड्यूअल सिम है, वो तो अब सारे फोन्स में ही आपको मिल रहा है। एंड आने वाले टाइम में ये आई थिंक इस रेंज के फोन में भी आपको ड्यूअल कैमरा मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसमें सिंगल कैमरा है एट द बैक और फ्रंटल कैमराज हैं विद ड्यूअल फ्लैश। पीछे भी फ्लैश है, आगे ड्यूअल फ्लैश है। एंड इसके जब हमने आपको कैमरा का जो वो बताया था, दैट्स 13 मेगापिक्सल कैमरा पीछे और 13 मेगापिक्सल फ्रंट पे, दोनों तरफ आपका 13 मेगापिक्सल है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द फोन। अगर कुछ और आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो देन वेट करो, उसके बारे में हम लोग आपको रिव्यू देंगे। और दाम जो है इसका, वो हमने आपको कहा था 10,000 से कम है, तो हमारी बात अभी भी वही है क्योंकि इसका दाम है 9,999 रुपये। और ये इसका इन्होंने स्टार्टिंग प्राइस दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जब ये ऑनलाइन सेल पे जाएगा देन ऑब्वियसली इसका दाम घटेगा ही घटेगा 100%। तो मुझे लग रहा है ये आई थिंक 8,500-9,000 तक आपको ये फोन मिल जाएगा, बट फिलहाल 9,999 रुपए का ये फोन है। इट्स नॉट बैड, इट्स अ नाइस ऑप्शन टू हैव ऑब्वियसली। एंड बाकी फुल रिव्यू उसका जब हम करेंगे तो या तो हम आपको बता देंगे या इमाम धनबादी भैया का अगर मूड हुआ तो वो इसको परख के आपको बताएंगे कि इसमें क्या है जो उनके मन को भा सकता है। एंड अदर देन दैट, अभी हम लोग कल फिर से ऑटो एक्सपो पे होने वाले, तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ऑटो एक्सपो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया नहीं है। एंड इसके अलावा क्या बोल रहे हैं मैम, वैलेंटाइन वाला जो हमारा वैलेंटाइन डे, ये मतलब ऑटो एक्सपो भूल सकते हैं, वैलेंटाइन डे नहीं भूलेंगे। ये सवाल नहीं उठता है कि वैलेंटाइन डे के बारे में ये भूल जाए। पीछे से प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं वैलेंटाइन डे करके कि भूल मत जाना वैलेंटाइन डे। जी हाँ, हमारा वैलेंटाइन डे का स्पेशल आ रहा है। एंड श्रुति आपको बहुत सारे ऐसे बहुत कूल गैजेट्स बताने वाली है जो आप इस वैलेंटाइन डे पे जिनको आप गिफ्ट कर सकते हो और जिनसे आप जिसको भी देना चाहो, हूएवर यू वांट टू गिव इट टू, उनको आप दे। दीज आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट गिफ्ट्स टू गिव टू एनीबडी, इसको भी आप देना चाहो। हाँ, मतलब श्रुति मैम ने बहुत ज्यादा ही रिसर्च किया है इन गैजेट्स पे और बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गैजेट्स के बारे में बताया उन्होंने, और बेसिकली इसको बहुत सेंट्रिक रखा है वैलेंटाइन के ऊपर। पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ हर दिन कोई नया नया प्रोडक्ट आ रहा होता है, सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स है, बड़े अच्छे रंगों में है, एंड ऑफकोर्स देर एक्सलेंट गैजेट्स, और ये सारे के सारे वैलेंटाइन डे स्पेशल के लिए आ रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी मच टू लुक फॉरवर्ड टू। और कल ऑफकोर्स ऑटो एक्सपो से भी हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो दैट्स अबाउट इट, अब जाके हम लोग देखेंगे इस फोन में और क्या क्या है, और कल मिलते हैं। कल की टेक चाय मैं आपके साथ ऑटो एक्सपो से ही पीऊंगा, सो बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ ऑटो न्यूज कमिंग इन टुमारो, एंड ऑफ कोर्स हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल। ठीक है, चलो अब चलते हैं, बाय।